हाय फ्रेंड्स, आज हम शेप स्पेसिस से एक सम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए हॉलो रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इज हैविंग आउटर डायमीटर 120 इंटू 120 mm में है, विथ थिकनेस ऑफ 20 mm इज कैरिंग ए शेयर फोर्स ऑफ 125 किलोन्यूटन। कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो क्वेश्चन जैसे दिया है हमारे पास, उस तरीके से हमें हॉलो रेक्टेंगल बना लेंगे। हमें क्या बोला है, आउटर डायमीटर कितना है 120 इंटू 120, मतलब ये 120 है और ये 120 है, करेक्ट। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं डी, आउटर डायमीटर मतलब कैपिटल डी दिया है 120 इंटू 120 mm में है। उसके बाद बोला है थिकनेस, टी दिया है थिकनेस 20 mm। थिकनेस का मतलब क्या होगा कि अगर हम अंदर एक और रेक्टेंगल बना लें, क्योंकि हॉलो क्वेश्चन में पहले से बताया, तो इसका जो थिकनेस है, इतना जो डिस्टेंस है इसका, ये 20 है, समझे आपको। वैसे ये सारे इसकी थिकनेस 20 है, ये थिकनेस 20, ये सारे थिकनेस 20 20 है, इसलिए यहाँ पर थिकनेस दिया 20। लेकिन अगर जब हमें थिकनेस 20 दिया है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका स्मॉल डी 80 इंटू 80 mm होगा, है ना, क्योंकि ये 20 आप माइनस कर दो और ये 20 माइनस कर दो, 120 में से 40 माइनस कर दो, तो अंदर का कितना बचेगा 80, करेक्ट है ना, अंदर का 80 बचना चाहिए। तो सेम वैसे ही होगा सबके लिए, अंदर का 80 होगा, तो हम बता सकते हैं इससे कि हमारा स्मॉल डी जो है वो 80 इंटू 80 है, करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, शेयर फोर्स की वैल्यू दी है, मतलब कि एफ दिया है। एफ कितना दिया है हमें, 125 किलो न्यूटन दिया है, तो उसको 125 को हमें न्यूटन में करना पड़ेगा, इसलिए 10^3 ये हो गया न्यूटन में, इतना हो गया आपका गिवन पार्ट, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया हमें आगे काम आने वाला है। तो एरिया हॉलो का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, कैपिटल बी डी, कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी, बराबर ना, ये है कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी और स्मॉल बी तो सेम है, ठीक है ना, इसलिए डी और बी यहां पर सेम है। तो ये कितना होगा, 120 इंटू 120, 120 इंटू 120 माइनस 80 इंटू 80, 80 इंटू 80, इसको आप माइनस कर लीजिए, तो आपको एरिया की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10^2, 8 इंटू 10^3, और एरिया होता है mm स्क्वायर में, ये आपको एरिया की वैल्यू आएगी, हमें आगे काम आने वाला है, ये एरिया नोट करके रखिए। चलिए अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है IFX का, फॉर हॉलो, क्योंकि हॉलो है तो इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी और स्मॉल डी क्यूब अपॉन 12। तो चलिए फटाफट बी और डी की वैल्यू रख दीजिए, सेम वैल्यू है 120 इंटू 120 का क्यूब माइनस 80 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12। इसे आप कैल्सियम कैलकुलेट कीजिए तो आपको आई की वैल्यू आएगी 13.86 इंटू 10^6, 13.86 इंटू 10^6, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है mm^4, 10^6, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट होता है mm^4। तो यहां पर मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं, ये एरिया तो आपको कैलकुलेट मालूम पड़ गया होगा,
या फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर भी लिख देंगे। आई कितना आया हमारे पास, 13.86 इंटू 10^6 mm^4, ये है आई का आंसर। अब हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि आगे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, टाउ एवरेज निकालते हैं। टाउ एवरेज, टाउ एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है, एफ अपॉन ए। तो यहां पर एफ की वैल्यू रख दीजिए 125 × 10^3, 125 × 10^3 एफ की वैल्यू। ए की वैल्यू रख देंगे 8 × 10^3, 8 × 10^3, इसे कैलकुलेट कीजिए आप। तो टाउ एवरेज का, टाउ एवरेज का आंसर आपको आएगा 15.63, ठीक है ना, ये आपको टाउ एवरेज का आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे टाउ एवरेज, टाउ एवरेज का आंसर है 15.63, बराबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी अब आते हैं मेन फॉर्मूला की तरफ। इसका जो मेन फॉर्मूला है टाउ का फॉर हॉलो रेक्टेंगल, वो क्या होता है, एफ इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई बी। बराबर, ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके लिए सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको y बार कैसे मिलेगा, चलिए सबसे पहले हम y बार देखते हैं इसका। ये इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन होगा, करेक्ट। हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं सबसे पहले, इतने पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, राइट। इतने पार्ट को कंसिडर करते हैं, इसका cg यहां पर आने वाला है। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, चलिए आपको सबसे पहले बताता हूं। यहां से लेके यहां तक की हाइट है 40, राइट, क्योंकि अंदर का जो डायमीटर है वो है 80, तो 80 का हाफ हो जाएगा 40, 40 प्लस इतना पार्ट, इतना पार्ट 10 होगा, 10 की होगा क्योंकि इसका 10 10 के इससे डिवाइड होगा ये थिकनेस, इसलिए आपको y बार मिलेगा 50। तो यहां पर y बार की भी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, y बार इक्वल्स टू 50, राइट। अब क्या बचे आपके पास, इसके लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, इतने पार्ट का एरिया जितना हमने क्रॉस सेक्शन किया है, तो वो एरिया का आंसर होगा, देख सकते हैं आप वो एरिया कितने, 120 × 20 पे है, बराबर। जितना हमने क्रॉस सेक्शन किया है सिर्फ उतना है, तो वो एरिया कैसे लेंगे हम, 120 × 20 से लेंगे। तो इसका आंसर हमें आ जाएगा 2400, बराबर ना। ये एरिया कौन सा लिया हमने, इस फॉर्मूले में डालने के लिए, टाउ के फॉर्मूले में डालने के लिए जो एरिया हमें लेना पड़ता है वो हम उतना ही पार्ट पे लेंगे जितना हम क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट टाउ के फॉर्मूले में सब रख देते हैं। एफ, एफ आया 125 × 10^3, एफ के बाद क्या है इंटू ए, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया 2400 इंटू इंटू वाई बार, वाई बार कितना है 50 × 50 अपॉन, अपॉन में क्या है आई, आई कितना है 13.86 × 10^6 आई। अब आते हैं हम बी की तरफ, बी कितना है, बी कितना है इसका, इसका बी ले चाहे टोटल बी ले सेम ही है, क्योंकि हम इस टोटल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं जितना हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है, तो उसका बी कितना होगा 120, तो इंटू 120, तो सारा हो गया बराबर। आप इसको कैल्सियम में पुट कीजिए तब आपको टाउ का आंसर आएगा, ये टाउ वन है, कंसिडर कीजिए, टाउ वन का आंसर आपको आएगा 9 न्यूटन
पर एमएम स्क्वायर होगा इसका यूनिट, ये आपको टाउ वन का आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट फॉर 40 mm, 40 mm के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो 40 mm का कैलकुलेशन मतलब कौन सा कैलकुलेशन, ये 20 प्लस ये 20, मैं यहां पर लिख देता हूं 20 mm प्लस 20 mm, 20 mm प्लस 20 mm का, ये तो टाउ वन हमें आया था। अभी हमें एक और टाउ कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम नया पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए हमें अभी कैलकुलेट करना है 40 mm के लिए। तो 40 mm हम कौन सा ले रहे हैं, हम इस थिकनेस को ले रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है इसमें दो थिकनेस आ रहा है, ये 20 आ रहा है और वो 20 आ रहा है, इसलिए 20 प्लस 20 करेंगे तो 40 mm। ठीक है, अब हम 40 mm के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, तो 40 mm के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे एक रिलेशन है वो याद रखिए, टाउ टू अपॉन टाउ वन इक्वल्स टू टाउ वन का विड्थ, मैं यहां पर रोमन हिंदी की यूज कर रहा हूँ, रोमन हिंदी का, तो समझ जाइए, आपको समझने के लिए, क्योंकि आप टाउ वन और ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, टाउ टू अपॉन टाउ वन कौन सा वाला क्वेश्चन वाला टाउ वन, और यहाँ पर कौन सा रखेंगे टाउ वन, कौन सा टाउ वन का बस विड्थ रखेंगे यहाँ पर, और इसके नीचे जो आएगा वो आपका टाउ टू होगा। ये कौन सा टाउ टू जो आपको कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है ठीक है ना, ये आप अपने समझने के लिए ऐसे लिख लीजिए, पर ऐसा लिखना मत। तो ये टाउ टू अननोन है, ठीक है, ये टाउ टू अननोन है, टाउ वन हमें मालूम है कितना है, 9, टाउ वन है 9। अब हमें टाउ वन का विड्थ चाहिए, टाउ वन का विड्थ कितना है, 120 हमें मालूम है, इसका विड्थ टोटल 120 है, क्योंकि यहां पर जब हमने कैलकुलेट किया था तब हमने बी कितना लिया था, 120 ही लिया था, देख सकते यहाँ पर जो बी की वैल्यू ली है वो 120 ली है, इसलिए टाउ वन का विड्थ मतलब 120 अपॉन, अब टाउ टू कौन सा, टाउ टू जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें 40 के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 40 रख देंगे बराबर। आप इसको कैल्सियम में कैलकुलेट कीजिए, आपके पास एक ही अननोन है जो कि टाउ टू है, अब आप इसको कैल्सियम में कैलकुलेट करेंगे टाउ टू के लिए, यहाँ पर एक्स रखिए और सॉल्व फॉर एक्स कीजिए तो आपको टाउ टू का आंसर आ जाएगा, टाउ टू का आंसर आने वाला है आपको 27 न्यूटन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको टाउ टू का आंसर आने वाला है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आ गया टाउ वन और टाउ टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाउ वन और टाउ टू की वैल्यू, टाउ वन कितना था 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ टू कितना आया, टाउ टू आया हमें 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमें टाउ थ्री भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ, कैसे आया आप देख लीजिए, नहीं तो आप फिर वीडियो को पीछे आके भी हम देख सकते हैं। हमें टाउ वन मिल गया, टाउ टू मिल गया, अब हमें टाउ थ्री कैलकुलेट करना है। टाउ थ्री कैलकुलेट करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, टाउ का हमने जब देखा था, इसका जो फॉर्मूला लिस्ट देखा था उसमें हमने एक चीज देखा था, टाउ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वन अपॉन ए, मतलब क्या है, इफ एरिया इज लेस, इफ एरिया इज लेस टाउ इज मोर, है ना, एरिया अगर लेस होगा तो टाउ मोर होगा, तो यहाँ पर मिनिमम मिनिमम एरिया कौन सा है, यहाँ पर मिनिमम एरिया कौन सा है जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक एरिया तो टोटल 80 है और एक 20 20 मतलब 40 है, मिनिमम एरिया है यहाँ पर 20 इंटू 40, 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 का 2, 20 इंटू 40 का 2, तो यहाँ से आप मिनिमम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा मिनिमम एरिया का 1600, ठीक है, ये आपका मिनिमम एरिया आएगा। अभी हमें टाउ 3 कैलकुलेट करना है,
आउटरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, शेयर स्पेस निकालेंगे, शेयर स्पेस निकालेंगे इन वेब में, इस वेब में हम शेयर स्पेस निकालेंगे। आउटरी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस वेब का, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये वेब इस तरीके से मिलने वाला है, इसका ये लेंथ होगा 40, अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें, और ये लेंथ होगा 20, ये लेंथ होगा 40 और ये लेंथ होगा 20, तो यहाँ पे हमें वाई बार का डिस्टेंस लगता है वो होगा 20, सीजी का डिस्टेंस लगता है वो होता है 20। अब हम इसको सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये दो है ठीक है ना, एक ये है और एक वहां पर भी है, ऐसा ही सेम वहां पर भी है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, हम लोग एक साइड को सॉल्व करेंगे मतलब कि सेकंड साइड से हमें आराम से मिल जाता है। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होगा टाउ थ्री का सेम फॉर्मूला होगा, टाउ थ्री का भी सेम फॉर्मूला होगा क्योंकि टाउ का फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ से बस वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर देख ले, एस तो सेम रहेगा सबके लिए, एस सेम है तो टाउ में, टाउ के फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, एस सबके लिए सेम है 125 × 10³ टाउ हो गया। अब एरिया की तरफ आते हैं, एरिया, एरिया हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 1600 1600, उसके बाद वाई बार की तरफ आते हैं इंटू वाई बार, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसका सीजी यहाँ पर एक्स करेगा तो इसका वाई बार होगा 20 पे, तो यहाँ पर हो गया 20 अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देखिए टोटल 13.86 इंटू 10⁶ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इंटू बी चाहिए हमें, बी कौन सा लेंगे हम लोग, बी हम लोग लेंगे 40, ठीक है ना, ये होगा इंटू 40। इसके पीछे वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने जो टाउ टू में बी लिया था वो 40 लिया था, क्योंकि हम लोग 20 × 20 का कर रहे हैं इसलिए 40 है, नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा कि हमने बी 40 क्यों लिया। ये बी होता है और ये डी होता है ना, तो ये बी, एक बी हो गया 20, तो ऐसा ही एक और है ना 20 और 40, तो ये 20 + 20 = 40 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं तो ये इसका बी होता है और ये डी होता है, मतलब ये डेप्थ होता है और ये ब्रेथ होता है, तो बी ये है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, बी चाहिए, तो बी एक का 20 है लेकिन दो का कितना होगा 40, तो यहाँ से हम इसको बड़े ध्यान से कैल्सियम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाउ का आंसर आएगा 7.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिए ये कौन सा टाउ है, टाउ थ्री है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाउ मैक्स कैलकुलेट करना है, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स का फॉर्मूला होगा टाउ टू प्लस टाउ थ्री, टाउ मैक्स का फॉर्मूला होगा टाउ टू प्लस टाउ थ्री। टाउ टू कितना था वापस देखिए, हमने लिखा है 27, 27 था टाउ टू, टाउ थ्री कितना है 7.21, यहां से हमें टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 27 प्लस 7.21 करेंगे तो टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी 34.21 आएगी हमें टाउ मैक्स की वैल्यू। अभी हमारे पास सब कुछ आ गया है, बस अभी हमें क्या बोला है लास्ट में, ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। चलिए हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, वैल्यूज अभी हमें इस पर डालनी है, यहां पर टाउ जीरो होता है, यहां पर भी टाउ जीरो होता है, यहां पर टाउ वन होता है, यहाँ पर भी टाउ वन होता है, टाउ वन की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर 9 न्यूटन पर एमएम लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 न्यूटन पर एमएम लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर होता है टाउ
यहाँ पर भी होता है टाउ टू की वैल्यू कितनी है 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ठीक है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पर भी टाउ टू की वैल्यू लिख देंगे 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है ना। अब क्या बचा, अब एक चीज बचता है यहाँ पर हमें, जहां पर इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां पर एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ पर एक वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है टाउ मैक्स की। टाउ मैक्स कितना आया, टाउ मैक्स आया हमारा 34.21 यूनिट सेम होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने यूनिट नहीं लिखा है पर आप डाल देना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि टाउ का यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होता है। तो दैट्स ऑल, यही था हमारा कंप्लीट सोल्यूशन इसका। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।